15 सालों से दिल्ली की एमसीडीए में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और इन पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को सिर्फ दो तोहफा दिया है, एक कूड़ा और दूसरा करप्शन। आप दिल्ली के अंदर किसी भी बॉर्डर से अगर प्रवेश करिए तो आपको दिल्ली में घुसने से पहले कूड़े के पहाड़ नजर आएंगे। ये 15 सालों में पहला तोहफा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को। दूसरा, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दिल्ली के अंदर लिंटर माफिया बनकर घूम रहे हैं। आज नमस्कार साथियों, आपदा में अवसर अगर कोई ढूंढे, कैसे ढूंढा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी से आप समझ सकते हैं। जब से कोविड आया पिछले 2-2.5 साल से, सिर्फ कोविड के नाम पे, आज ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। जो भी प्रेम भाई ने बताया कि साउथ एमसीडी में रिमिशन लेके आ रहे हैं, टोल टैक्स वालों को छूट दे रहे हैं, पहली बार नहीं हो रहा। पिछले 2.5 साल में पार्किंग वालों को, विज्ञापन वालों को, टोल टैक्स को कई बार हजारों करोड़ रुपये का रिमिशन ये दे चुके हैं। और आप देखिए, जिस कोविड काल की बात करके ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े अरबपतियों को, जो पार्किंग वाले हैं, विज्ञापन वाले हैं, टोल टैक्स कंपनियां हैं, उनको तो छूट दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की जनता के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस फीस उड़ा देते हैं, हाउस टैक्स उड़ा देते हैं। उनको तो मतलब बीजेपी की अगर हम माने तो ये कोविड सिर्फ और सिर्फ अरबपतियों के लिए और पूंजीपतियों के लिए था कि उनको छूट मिलने चाहिए। आम आदमी पे आप जितना मर्जी बोल डालो, तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कर रही है, ये कोई छूट वूट नहीं है। ये जो हजारों करोड़ रुपए की रिमिशन दी जा रही है, ये पर्दे के पीछे आपस में इसकी बंदरबांट हो रही है। आधा पैसा बीजेपी के नेताओं की जेब में जा रहा है और आधा पैसा उनका बाप हो रहा है। इसकी अगर ईमानदारी से जांच कराई जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता एमसीडी में बैठे हैं और जितने उनके ऊपर वाले नेता हैं, सबके सब इसमें बुरी तरह फंसेंगे। और मैं आज आदेश गुप्ता जी से, इनके प्रदेश अध्यक्ष से, इनके जो यहाँ के प्रभारी हैं दिल्ली के, इनके जेपी नड्डा जी जो इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैं मांग करता हूँ कि आप बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, झूठे आरोप लगाती है, तो आप निष्पक्ष जांच कराने की हिम्मत करके दिखाएं। एक बार किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से जो आज हम कह रहे हैं, आप उसकी जाँच कराइए और उस जाँच की रिपोर्ट रखिए। आपको भी पता चल जाएगा कि आपके पार्षद वहां बैठकर क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।